नमस्कार, न्यूज स्ट्रेन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां नक्सलवाद और कुपोषण की तरह एक और समस्या मुंह बाएं खड़ी है और वो है हाथियों और इंसानों के बीच बढ़ता द्वंद्व। छत्तीसगढ़ में स्थिति अब ये बन गई है कि हाथियों के झुंड का रिहायशी इलाकों में घूमना आम हो गया है। कभी कोई इंसान किसी गजराज के गुस्से का शिकार हो रहा है तो कभी गजराज किसी इंसान के गुस्से का। आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या हाथियों द्वारा किसी इंसान की जान लेना और फिर उस पर मुआवजे का मरहम लगा देना यही एकमात्र स्थायी समाधान है। चर्चा इसी पर, कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। हाल ही में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से बड़ी समस्या कुपोषण है। बेशक ये भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें किसी चिड़ियाघर की नहीं, ना ही किसी एलिफेंट रिजर्व की है। ये इंसानों की बस्ती है जहां लोगों में इतना डर बैठ गया है कि उनका घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो इन तस्वीरों से साफ है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और कुपोषण की ही तरह हाथियों की समस्या भी एक बड़ा मसला है। छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जहां गजराजों की दस्तक आए दिन लोगों को परेशान करती है। तो ये छत्तीसगढ़ के वो इलाके हैं जहां हाथियों की चहलकदमी है। अब सवाल ये है कि क्या ये चहलकदमी या फिर दहशत इसी तरह कायम रहेगी या इसके लिए कोई कदम भी उठाए गए हैं। तो बता दें कि हाथियों की वजह से होने वाली मौत के मामले में छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर है, जबकि देश में हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या कर्नाटक में है। कर्नाटक में छत्तीसगढ़ के मुकाबले मौत का आंकड़ा करीब 40% तक कम है। छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट एलिफेंट के नाम पर 10 साल में करीब 64 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। 2018 में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 1,307 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सोलर फेंसिंग, मधुमक्खी पालन, रेडियो कॉलर जैसे उपाय किए गए। 2011 से 17 के बीच 45 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई। फिर भी छत्तीसगढ़ में मौतों की संख्या कम होती नहीं दिख रही है। अब सवाल ये है कि आखिर हाथी आए दिन इंसानों की बस्ती में क्यों घुसे चले आते हैं, आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी है। तो दरअसल छत्तीसगढ़ के सरगुजा, जशपुर और कोरबा में हाथियों का निवास है। महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिले में भी हाथियों का झुंड ओडिशा से आता है। इस झुंड के हाथी भटककर कभी कभार राजधानी रायपुर की सीमा में आ जाते हैं। 41% से अधिक वन क्षेत्र वाले सरगुजा, जशपुर और कोरबा जिले में घने जंगल हैं। सरगुजा, जशपुर और कोरबा के इन्हीं इलाकों में कोयला खदानें भी हैं। खदानों के कारण जंगल कट रहे हैं और हाथियों के लिए भोजन कम पड़ रहे हैं। एक वयस्क हाथी रोजाना 300 से 400 किलो तक फल, पत्ते और दूसरी चीजें खाता है। वयस्क हाथी को एक दिन में करीब 150 लीटर पानी की भी जरूरत होती है। इस कारण हाथी ऐसी जगहों की तलाश करते हैं जहां उन्हें भोजन पानी मिल सके। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं हाथियों का आशियाना सिमट रहा है। सिमटते जंगल हाथियों को इंसानी बस्ती में घुसने पर मजबूर कर रहे हैं। इस वजह से कभी हाथी तो कभी आम लोग इसका शिकार हो रहे हैं। हाथियों और इंसानों के बढ़ते द्वंद्व के बीच मुआवजे का मरहम तो लगा दिया जाता है, लेकिन ये शायद समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। हाथियों का संरक्षण और इंसानों की जिंदगी दोनों अहम है, लिहाजा इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जाने की सख्त जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। और तीन खास मेहमान इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप श्रीवास्तव जी हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा हैं, बीजेपी के नेता। ये थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभय नारायण राय, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय नारायण जी, स्वागत है आपका। दो और गेस्ट भी जल्द ज्वाइन कर लेंगे, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं आपके साथ। आज फिर चर्चा का मौका मिला है, और आज वन मंत्री का बयान भी हम सबके सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि अब इन घटनाओं को सामान्य नहीं माना जाएगा, कार्रवाई करेंगे हम लोगों पर अगर वो पास जाएंगे, सेल्फी लेने जाएंगे हाथियों के पास। तो सर, एक तस्वीर ये जो हमने दिखाई अभी कि लोग घरों में छिपने के लिए मजबूर हैं, दूसरी तरफ ये बयान कि लोग सेल्फी लेने के लिए पास जाते हैं, दोनों बहुत अलग चीज़ें। लोकेंद्र जी, लगातार इस पर आप डिबेट करा रहे हैं, आप इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपका चैनल लगातार इस विषय पर बात कर रहा है। और आप लोगों के कारण, आप लोगों के समाचार दिखाने के कारण, बात करने के कारण छत्तीसगढ़ के लोग भी इस पर गंभीर हो रहे हैं और सरकार भी गंभीर है। हमारे वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय भूपेश बघेल जी और हमारे पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ नरसिम्हा राव जी हैं,
सभी लोग लगातार इस पर निगाह बनाए हुए हैं और इस समस्या का समुचित समाधान, देखिए इंसान और जहां तक हाथी का सवाल है, मानव हाथी का द्वंद्व होता है। जब हाथी के विचरण क्षेत्र में मानव जाएगा या मानव के क्षेत्र में हाथी आएगा तो ये द्वंद्व स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह से अभी आपने दिखाया रिपोर्ट में कि जंगल कम हो रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, किस कारण से काटे जा रहे हैं, इस पर भी आपने बात की, मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाते हुए जरूर कहूंगा कि हाथियों के विचरण केंद्र को लेकर एक सीमा हो जाए, जंगल में उनको रोकने का काम किया जाए। सरकार बहुत गंभीर है, सरकार भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद से ही हमारे वन मंत्री बड़े गंभीरता से इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको रिजल्ट भी आएगा। मैं ये जानना चाह रहा था सर आपसे कि लोग तो लोग छिपने के लिए मजबूर हैं, तो ये कौन से लोग हैं जो सेल्फी लेने के लिए पास जाते हैं, और क्या इसका मतलब ये है कि लोग उकसाते हैं हाथियों को कि वो गुस्से में आए? अब सीधा दोष आम लोगों पर है जिनके नुकसान होते हैं, जिनका घर टूटता है, फसल बर्बाद होती है, जान जाती है। जब हाथी जो जो देखिए जो लोग हाथी के नेचर को नहीं समझते, जिनको हाथियों के बारे में जानकारी नहीं होती और जब हाथियों का दल अचानक उधर से गुजरता है तो उनको एक सामान्य लगता है, जैसे बंदर आ गए तो हम बंदर देखने चले गए, कोई वन्य प्राणी आ गया तो हम उसको देखने चले गए। लोग तो जंगल में हाथी हिरण शेर देखने ही जाते हैं, लेकिन एक सीमा के भीतर रहकर सब लोग अपना काम करते हैं, हाथी अपनी जगह रहता, मनुष्य अपनी। अचानक कोई जब छेड़खानी होने लगती है, कोई उससे सेल्फी लेने का प्रयास करता है तो उसको गुस्सा आता है और गुस्सा के बाद वो अपने गुस्से कंट्रोल नहीं कर पाता और जन धन की हानि होती है। इसको लेकर लगातार उन क्षेत्रों में अलर्ट किया जा रहा है जिन क्षेत्रों में हाथियों के विचरण की संभावना है। तो आज हमारे वन मंत्री जी ने कहा है कि ऐसी कोई घटना न हो, वहां तक लोग न पहुंचे। सरकार के तमाम उपाय के बाद लगता है सर कि शायद वो रायपुर के आसपास जब कभी आ जाते हैं हाथी, वहां की बात जिन गांवों में संभावना, आदिवासी इलाकों में सर कौन सेल्फी लेने जाएगा वहां पर, जो बड़ी मुश्किल से तो अपना गुजारा कर रहे हैं, उन्हें पता है वहां की असल स्थिति क्या है, हाथी कितने खतरनाक हो जाते हैं। सुदीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत में करते हुए इस बात को जरा पूरा कीजिए। बना रहे घटना भी हुई है, सेल्फी लेने की घटना हुई है, सेल्फी लेने से मौत भी हुई है, इसलिए उस घटना पर बात की जा रही है और सरकार लगातार वो उपाय कर रही है कि गांवों वालों को कैसे सचेत किया जाए, गांव में पहले से कैसे खबर हो, चाहे वहां की स्व सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से हो, वहां के कोटवारों के माध्यम से हो, ग्राम सचिवों के माध्यम से हो, ग्राम समितियों के माध्यम से हो, वन समितियों के माध्यम से हो, लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि अगर हाथी जिस गांव की तरफ बढ़ रहे हैं वहां हाथी के पहुंचने से पहले सरकार वहां खबर पहुंचा दे और लोगों को अलर्ट कर दे। उसके बाद भी घटनाएं हो रही हैं जिसको लेकर सरकार चिंतित है और सरकार हाथियों की सुरक्षा और हाथियों से मनुष्य की सुरक्षा को लेकर भी लगातार काम कर रही है और सरकारी प्रयास जितने हो सकने चाहिए उनसे दुगने किए जा रहे हैं और घटना न हो। आज वन मंत्री जी ने बहुत सख्ती से कहा है कि घटना को सामान्य रूप में नहीं लिया जाएगा, इसलिए वन विभाग के अधिकारी हों, उस गांव के निवासी और सभी जो लोग उस काम में लगे हैं वो चैतन्य रहें और हाथियों का ध्यान रखें। सुदीप जी, ये जो वन मंत्री की तरफ से आज बयान सामने आया, कुछ तस्वीरें भी सामने आई कि जो आबादी वाले इलाके उनके बिल्कुल बीच से हाथी गुजर रहे हैं, वो तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई और सुई पटक से नाटा, लोग बाहर नहीं निकल रहे वहां पर, क्या वाकई ऐसा है कि लोग खुद गुस्सा दिलाते हैं गजराज को और उसके रास्ते में एक तरीके से डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं? लोकेंद्र जी, पहले तो मैं न्यूज नेशन को बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैं समझता हूँ कि राज्य का अकेला ऐसा चैनल है जो इस इतनी बड़ी समस्या को, जिसमें मेरे ख्याल से नक्सली घटनाओं से भी ज्यादा लोग मर रहे हैं, लगातार कवर कर रहा है। और मैं तो चाहूंगा कि आप लोग राष्ट्रीय स्तर पे भी ऐसे प्रोग्राम आयोजित करें जिससे कि लोगों में अवेयरनेस हो। दूसरी बात यह है कि जो हाथियों को भड़काने वाला मामला है वो जशपुर कोरबा, ये सेल्फी की घटना कहाँ हुई है मुझे जानकारी नहीं है, आप बता पाएंगे कहाँ हुई नहीं, है? ये बयान है वन मंत्री का कि अगर इस तरह की कोई चीज करेगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अभी अभी हाथियों के पास लोग ना जाए। नहीं नहीं, अभी क्या हुआ है कि सामान्य रूप से जो पिछले 30 साल से हाथियों का विचरण था वो सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग में था, रायपुर और दुर्ग संभाग में ये पिछले 3-4 साल से आना शुरू हुए हैं।
और कारण आप कई बार बोल चुके हैं, हम लोग कई बार बहस कर चुके हैं कि उस इलाके में कोयला खनन बढ़ने से इधर आ रहे हैं। समस्या ये है कि अगर हाथी नए एरिया में जा रहे हैं तो वहां जनता को हाथियों के व्यवहार के बारे में जानकारी देना, उनको सावधान करना और उनको इसके लिए अभ्यस्त बनाना कि वो कम से कम ऐसी गतिविधि करें जिससे कि हाथी, देखिए हाथियों के दल में छोटे बच्चे होते हैं और जब छोटे बच्चे हाथी के दल में होते हैं तब उस दल का जो हाथी बड़ा हाथी है वो उसके सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित होता है। वो इंसान नहीं है कि वो पहचान पाए कि आप केवल सेल्फी लेने आ रहे हो, या वो इंसान नहीं है कि आप केवल बाइक से नजदीक जाके घूम रहे हो, या वो इंसान नहीं है कि आप उसको केवल देखने आए हो। उसको ये भय होता है कि मेरे दल के छोटे हाथी पे या किसी पर हमला हो सकता है, तो वो रिएक्ट करता है और उसमें ये घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरा कारण है जो घटनाएं बढ़ने का, वो तो प्रशासकीय है, ये तो फिर भी लोगों को जानकारी देने वाली बात है। धान की फसल के इस समय बड़े हो रहे हैं पौधे, वो हाथियों को बहुत अच्छी घास के रूप में स्वादिष्ट लगते हैं। उसका जो मुआवजे का पैटर्न है, माने अगर एक एकड़ में 15,000 रुपए का धान होने वाला है, 20,000 का धान होने वाला है, तो मुआवजा आपको 6,000 से अधिक नहीं है। ये गलती मैं लगातार बोल रहा हूं कि पिछले 10-15 साल से ये जो मुआवजे को अगर आप वास्तविक रूप से नहीं देंगे तो लोग अपने खेतों से हाथी को दूर करने के लिए आग जलाएंगे, बम फोड़ेंगे, फटाका फोड़ेंगे और ऐसी हरकतें करेंगे जिससे कि हाथी उग्र होकर आपके ऊपर वापस आएगा। तो अगर इतनी बड़ी समस्या को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो कैंपा फंड में ही इतना पैसा है कि आप उससे जो वास्तविक मुआवजा है, अगर एक एकड़ फसल रौन दिया तो एक एकड़ का जो मुआवजा वास्तविक बनता है वो दीजिए। आप ये नहीं दे रहे हैं, इसके कारण लोग हाथियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो तीसरा जो चीज है वो ये है कि अगर आप उसके मूल रहवास में और अधिक, जो सरगुजा और बिलासपुर संभाग है, रायगढ़ है, कोरबा है, इस इलाके में, सरगुजा में अगर आप और कोयला खनन बढ़ाते जाएंगे तो ये नए क्षेत्रों में, अब नए क्षेत्र में लोग अभ्यस्त नहीं है हाथी को, वो कौतूहल का विषय है गरियाबंद में, कौतूहल का विषय है बालोद में, अचानक बोले पहली बार आया कोई चीज, तो वो घटनाएं बढ़ रही हैं। एक समेकित नीति की जरूरत है, जो असल में क्या होता है, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट, इस पे किसी का ध्यान नहीं होता। इन्वेस्टर मीट कराओ, उद्योग बढ़ाओ। अभी देखिए आप बस्तर की 4 आयरन और खदानों में की नीलामी का समाचार आया है, तो आप उधर में कोयला खदान खोलेंगे, इधर आयरन और खदान खोलेंगे, जब सब जंगलों में खदान खोलेंगे तो उसके बाद हाथी तो आपके घर में आएगा ना। इसमें जो आपने अहम चीज कही, क्या हमें वहां के लोगों को हाथी के प्रति और एजुकेट करना है, भी उसमें भी हम कमी रख रहे हैं, हमें बताना है कि आपको और ये आश्वस्त करना है वहां के लोगों को कि अगर आपका नुकसान होता है फसल का तो उसकी भरपाई की जाएगी, पूरी पूरी भरपाई की जाएगी। अभी अभी जो सिस्टम है उसमें अगर 15,000 का धान खराब हो रहा है एक एकड़ में, तो आप उसको 6,000 रुपए दे रहे हैं, तो आदमी को घाटा लग रहा है, आदमी को लगता है कि मैं बेचूंगा तो 15,000 पाऊंगा, रोकने का प्रयास करता है, उसमें संघर्ष बढ़ता है। ये अहम है जो अभय नारायण जी, बहुत अहम हो जाता है कि इस चीज को भी आपको सॉल्व करना होगा कि अगर द्वंद कम करना है तो एक आश्वासन भी देना पड़ेगा कि आप हाथियों को विचरण करने दीजिए, उनके रास्ते में मत आइए, नहीं तो जीत नहीं पाएंगे उनसे। वास्तविक जो नुकसान हो रहा है, अगर मैं कहता हूं कि पटवारी नाप जो करेगा उसमें थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार भी होता है, तो भ्रष्टाचार तो पूरे सरकार में हो रहा है, आप उसी में क्यों ये नियम बना रहे हैं कि अधिकतम हम 6,000 से ज्यादा नहीं देंगे। अगर एक एकड़ में 15,000 का धान हो रहा है तो एक एकड़ नुकसान हुआ तो 15,000 दीजिए, ठीक, 2 एकड़ में नुकसान हुआ तो 30,000 दीजिए। अभय नारायण जी जवाब दीजिए इस पर। अभय नारायण जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, संपर्क टूट गया है, दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं उनके साथ। लेकिन सुदीप जी, ये चीज तो ठीक है, लेकिन फिर वही बात आती है कि क्या इच्छा शक्ति है इस मसले को खत्म करने की? मैंने कहा ना कि प्राथमिकता की सूची में ये आखिरी पायदान पे है। ये आप ये देखिए कि ICFRE ने अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है
कि सरगुजा के और हसदेवरण के जंगलों के बारे में, उसने कहा है कि और कोई भी खदान खुलने से एक साइलेंट ट्रिगर के जैसे ये काम करेगा, मानव हाथी द्वंद को बढ़ाएगा और उसका प्रभाव केवल वहीं महसूस नहीं होगा, दूर दूर तक लैंडस्केप में आएगा। जहां जहां ब्लास्टिंग होती है हाथी विपरीत भागता है, और उसके बावजूद आप उसमें से 4 या 9 खदानों को क्लियर करने की मंशा रख रहे हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने यह नहीं कहा कि नहीं हम पूरे इलाके को सेफ करेंगे। ये जो पूरी की पूरी नीयत है कि आसान तरीके से कॉरपोरेट को फायदा पहुंचा के पैसे बनाए जाएं, ये असमूल समस्या के जड़ में ये नीयत है। और जब तक नीयत बदलेगी नहीं, जब तक, और ये नीयत किसी ब्यूरोक्रेट की नहीं बदलने वाली है, ब्यूरोक्रेट को कोई यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है, उसको यहाँ आना नहीं है, उसको यहाँ रहना नहीं है, वो किसी दूसरे राज्य का है, वो चला जाएगा। जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको ये सोचना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसा छत्तीसगढ़ बना रहे हैं। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो आप पूरी तरह इस काम में असफल हैं। और ये कितना भी आप बड़ी बड़ी योजना आज जितनी बताइए ना, योजना देने के नाम पे इसमें पैसा दे दो, उसमें पैसा दे दो, लेकिन जो आप गवर्नेंस का मॉडल है कि आपको न्याय मिलना चाहिए, आपको तकलीफ नहीं आनी चाहिए, उसमें कुछ नहीं है। केवल कोई भी सरकार रही हो 15 से 20 साल में, इसका बोनस का पैसा इतना ले लो, इसको इतने कम पैसे में दे देते हैं, हर चीज को आर्थिक रूप से तौलते हैं, हर चीज को आर्थिक। वन विभाग का हाल हम देख रहे थे सर, ये स्थिति है कि वन्य चिकित्सक नहीं है इनके पास, और जो हैं उनका वेतन नहीं दे पा रहे, 3 डॉक्टर हैं केवल, ये वन्य जीवों की कैसे सेवा कर पाएंगे या उनका इलाज करवा पाएंगे। कैंपा फंड से आप नए रायपुर में अपने घूमने के लिए सफारी बना रहे हैं 200 करोड़ से, कैंपा फंड से आप गाड़ियां खरीद रहे हैं, कैंपा फंड से नाके लगा रहे हैं आप इलेक्ट्रॉनिक, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका जो फॉरेस्ट गार्ड है वो जो नाका लेके बैठा है वो ज्यादा विजिलेंट है, आप फॉरेस्ट गार्ड हटा के इलेक्ट्रॉनिक नाका लगा रहे हैं। जंगल बनाने की बात भी कही जा रही है कि मानव निर्मित जंगल होगा, जो हमारे असल जंगल है उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मानव निर्मित जंगल तो आप बना ही नहीं सकते, एक जंगल को बनने में 300 से 400 साल लगता है। बिल्कुल, तो हमारे साथ विमल चोपड़ा जी भी जुड़ गए हैं, थोड़ा सा समय उन्हें दे देते हैं, देरी से जुड़े हैं। विमल चोपड़ा जी, एक नया बयान वन मंत्री का कि अगर कोई अब पास जाएगा हाथियों के या सेल्फी लेने की कोशिश करेगा या इस तरह का कोई कृत्य करेगा कि हाथी उससे गुस्से में आए तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और हाथियों की जो समस्या है सर, बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुदीप जी, उन्होंने उठाया कि हम जो ग्रामीण हैं उनको आज तक एजुकेट ही नहीं कर पाए हाथियों के प्रति कि किस तरीके का व्यवहार करना है, उन्हें अपनी फसल बचानी है उसके चक्कर में पटाखे फोड़ देते हैं, उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं हाथियों को, तो उल्टा नुकसान उन्हीं का होता है, ना सरकार मुआवजे का ठीक से ऐलान कर पाती है ना दे पाती है, किस तरीके से देखते हैं चीज़ों को सब। लोकेशन क्या है ये स्पष्ट नहीं है, अंदाज के आधार से सरकार जो है या फॉरेस्ट विभाग से लोग कहते कि आज हाथी किधर है। हम लोग पहले भी और मैं भी पहले भी मांग करते हैं, जब तक आप सारे हाथियों को रेडियो कॉलम नहीं पहुंचाएंगे तब तक जो है ये हाथियों की लोकेशन आपको नहीं मिलेगी तो आप लोगों को सतर्क नहीं कर पाते। जब कोई व्यक्ति देखता है कि आज हाथी इस गाँव में है तो फॉरेस्ट विभाग कहते हैं हाथी इस गाँव में है, और जब तक वो सूचना उस गाँव तक पहुंचती है तब तक आगे दूसरे गांव में चला जाता है। दूसरी बात यह है फसल का मुआवजा जो है वो 9,000 रुपए प्रति एकड़ है। जब हाथी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो गरीब किसान अपनी फसल बचाने के लिए किसानों को हाथी के पीछे भागना पड़ता है, उनको भगाना पड़ता। सरकार को दूसरा काम ये करना चाहिए कि फसल का मुआवजा जो है 9,000 से बढ़ा करके 25,000 कर देना चाहिए। ये 9,000 है सर, 6,000 है क्योंकि एक्सपर्ट अभी 6,000 बता रहे थे इसे। नहीं 9,000 सुदीप जी, 9,000 जी जी, पहले 6,000 था फिर अभी 9,000 हो चुका है। 9,000 भी हेक्टेयर पे है? नहीं, 22,000 रुपए हेक्टेयर है, 9,000 रुपए प्रति एकड़ है। मेरा क्षेत्र जो है हाथी प्रभावित है और मैं स्वयं मुआवजे के लिए लड़ते रहता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। पिछले 4-5 सालों से 9,000 रुपए हो चुका है करके और 6,00,000 रुपए हाथी के मरने से मुआवजा है हाथी के मरने। दूसरी, यदि इसको हम बढ़ा दें 20-25 हजार कर दें
तो किसान जो है वो हाथी को भगाने खेत में नहीं जाएगा, जिससे हाथी मानव ध्वंस जो है वो काफी कम होगा। लेकिन सरकार प्रयोग से प्रयोग कर रही है, नेहरू प्रोजेक्ट बनना था वो आज तक विधायकों की लड़ाई में अटका हुआ। देखिए मैं इस बात का विरोध नहीं, खनन कैसे होना चाहिए, आदमी के विकास के साथ साथ जो है वन्य प्राणियों का जीवन भी बचना चाहिए। आप बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रयोग के रूप में आप हर चीज को प्रयोग मत कीजिए। अभी एक प्रयोग वन मंत्री के हम ध्यान रख देंगे हाथियों के लिए तो हाथी गांव की तरफ नहीं आएंगे, वो भी प्रयोग। लेकिन जब से आज 5 सालों से जो मैं देख रहा हूँ, मात्र 1 या 2 हाथी को रेडियो का अलग लगाए गए। यदि आप पूरे हाथियों को जो 300 मेरे ख्याल से मेरे को जो जानकारी दी गई है 5 लाख 6 लाख रुपए एक हाथी में रेडियो का अलग लगाने का खर्च आता है। 300 भी हाथी है तो आपको 18 करोड़ रुपए जो है वो कैंपा मत से कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, आप रेडियो का अलग लगा दीजिए। हाथियों की आपको सही लोकेशन मिलेगी तो आप गाँव वालों को बता पाएंगे कि हाथी कहाँ है, जिससे बच के रहिए। लेकिन आज आपके पास लोकेशन नहीं है, आज आपके पास नीति नहीं है, आज आप कुछ मैं पिछले जब से कांग्रेस की 3 साल से सरकार आई है, एक भी हाथी से रेडियो का अलग न तो पहनाया गया न पहनाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण अभी एक रात में हमारे यहाँ महासमुंद के पास में 2 लोगों की मौत हुई एक बीवी हाथी से, और ये संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूँ सर, लास्ट मिनट है मेरे पास। सभा नारायण राय जी, अगर हमें लोगों को दूर करना है तो ये भी आश्वस्त करना पड़ेगा कि उन्हें हाथियों को रोकना नहीं है, अगर उनकी फसल बर्बाद हो रही है तो सरकार पूरा मुआवजा देगी, उस पर एक लिमिट तय कर देना, उससे तो लोग चाहेंगे कि हाथी दूर रहें, क्योंकि हमारी फसल 15,000-20,000 की हो सकती है। फिर कट गया। देखिए मुआवजा नीति का जहां तक सवाल है, मुआवजा नीति जो बनी हुई है वो सरकार चला रही है, उस पर अगर कोई बदलाव करना होगा, सुझाव आ रहे हैं तो ये सुझाव आज के डिबेट से आए, ये बातें मैं वहां तक पहुंचा दूंगा कि ऐसे सुझाव भी एक्सपर्ट के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा दिया गया। लेकिन जहां तक सवाल मुआवजा का है, 57-58 करोड़ रूपये मुआवजा बढ़ते हैं, मुआवजा की नौबत क्यों आए? हाथियों के विचरण केन्द्र को हम जंगल तक सीमित रखें, हाथी जब गांव में आए तो हम गांव वालों को सतर्क रखें। तो फिर सर जो खदानें चल रही है उनको बंद करना पड़ेगा, सरकार के विचरण क्षेत्र में हम गए पहले तभी वो बाहर निकल रहे हैं, तभी ये स्थिति बनी है। फिलहाल समय नहीं है सर, इसलिए रोक रहा हूँ। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो ये गंभीर विषय है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि बार बार इस पर चर्चा करते रहें, जनप्रतिनिधियों को आगाह करते रहें। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।